इंडिया लायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। सर अफवाहों का बाजार गर्म है, उमर साहब नहीं, अब इलेक्शनों में अफवाहों का बाजार इसी तरह चलता है। इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कहां से लड़ूंगा, ये मेरा जाती फैसला नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा। तंजीम अगर मुझे मैंडेट देना पसंद करेगी, कहां से करेगी, मैं वो तंजीम पे छोड़ता हूं, मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं, मैंने आपसे कहा ना, आप क्यों इतने बेचैन है हमारे कैंडिडेट्स के बारे में, और किसने कैंडिडेट का ऐलान किया है? मां सिवाय सजाद लोन के मैंने तो बाकी कश्मीर की 3 सीटों पर किसी भी एक कैंडिडेट का नाम अभी तक सुना नहीं है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे पड़े हुए, जैसे कि हमारा ही सबको इंतजार है। हम जब हमारा मूड होगा हम तब ऐलान करेंगे, मुमकिन है नोटिफिकेशन के बाद ऐलान होगा, हो सकता है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग पे हम अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे, वो हमारी मर्जी है ना, जब हमें फाइल करना होगा।